नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का सुपर फास्ट टाइम में। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा सरकार पहलवानों की समस्या के समाधान के लिए चर्चा को तैयार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने पर बवाल, हिंदुवादी संगठनों ने किया बंद का आह्वान। प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सीएम शिवराज का तंज, कहा अब नेता कौन है समझ नहीं आता, कोई कहते हैं भावी, कोई कहते हैं अवश्यम भावी। भिंड में नहाने के दौरान दो युवक चंबल नदी में डूबे, युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। फूप थाना इलाके के कढ़ा घाट का मामला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक्शन में शिवराज सरकार, पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की होगी पड़ताल, मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा की भी होगी जांच। मंदसौर गोलीकांड पर हो रही सियासत पर बोले सीएम शिवराज, जब चुनाव आता है तभी कमलनाथ को मंदसौर याद आता है, कांग्रेस मौतों पर सीखती राजनीतिक रोटियां। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, बच्चियों को अलग ड्रेस पहनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर हिंदुवादी संगठनों के गंभीर आरोप, स्कूल पर जाकिर नायक से प्रेरित होने के आरोप, छात्र छात्राओं के परिजन फीस लेने पहुंचे स्कूल। बालाघाट को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 208 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास, पारंपरिक बैगा नृत्य में सीएम का दिखा अलग अंदाज। कमलनाथ को सीएम उम्मीदवार बताने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बीते 20 सालों से जनता ने शिवराज जी को चुना, जनता के मतों में कांग्रेस हमसे 20 साल पीछे। महाकाल लोक में टूटी सप्तऋषि की मूर्तियों पर कांग्रेस के वीडियो पर घमासान, वीडियो में आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार डालने की बात, संतों ने जाहिर की नाराजगी। सिवनी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भोपाल में छोटा तालाब में फेंके मिले कोरोना के कीमती इंजेक्शन, कोरोना काल में जमाखोरी की आशंका। उज्जैन में घर के बाहर से लापता हुई मासूम का अब तक सुराग नहीं, 4 साल की बच्ची का खेलते हुए सीसीटीवी फुटेज आए सामने। भोपाल में चोरों का आतंक, एक ही रात में 3 जगहों पर वारदात को दिया अंजाम, अलग अलग घटनाओं में लाखों के माल उड़ाए, पुलिस के हाथ अब भी खाली। आज बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चुनावी मंथन। चुनाव से पहले बीजेपी ने बस्तर में लगाया जोर, आज से 3 दिनों तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे बस्तर का दौरा, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, सभा को करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज आज मंत्रियों से करेंगे बात, मंत्री के दौरे को और कामकाज का लेंगे रिव्यू, लाडली बहना योजना पर चर्चा संभव, विधायकों से भी वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर्स को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सैर, 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे टॉपर्स, 10 जून को सीएम आवास पर प्रमाण पत्र सहित नकद राशि से सम्मानित होंगे। ग्वालियर में पुराने विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, इंदरगंज थाना क्षेत्र के खलासीपुरा का मामला। बैतूल में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, झाड़ियों में फंसकर एक बच्चे की बची जान, हादसे के वक्त सभी बच्चों के घर पर नहीं था कोई सदस्य, साईखेड़ा के टोटरा मुहार गांव का मामला। कांकेर में नक्सलियों ने मचाया तांडव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को फूंका, कोपिन गुणा गांव के पास नक्सली के पास वारदात को अंजाम देना आया सामने। बीजापुर में नक्सली की बटालियन जोन में कोबरा बटालियन की मुठभेड़, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ की खबर, 2 घंटों से दोनों तरफ से चलती रही गोलियां। दोनों में दुर्ग में पत्थर मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, शक्तिनगर क्षेत्र की घटना, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर किए चाकू से 11 बार गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी, सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवा पारा की घटना, फरार आरोपी की तलाश जारी। अंबिकापुर में हाथी के हमले में 55 साल की महिला की मौत, जोड़ा तालाब जंगल में हाथी ने महिला पर किया हमला, लुंड्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम असकला का मामला।
जबलपुर में शाहपुरा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, गैस से भरी मालगाड़ी के दो टैंकर पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी कर्मचारी, पेट्रोलियम प्लांट के पेट्रोल डीजल और गैस स्टॉक करने वाली डिपो तक जाती है मालगाड़ी। जबलपुर में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले 8 से 10 युवक युवतियां, गिरोह का भंडाफोड़ के लिए खंगाले जा रहे मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 5,40,00,000 मतदाता डालेंगे वोट, 64,100 बूथों पर होगा मतदान, 1 अक्टूबर तक जोड़े जाएंगे शेष मतदाताओं के नाम। भोपाल में 15 घंटे बाद टंकी से उतरा परिवार, जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं होने से परेशान था परिवार, कल शाम से शुरू हुआ ड्रामा, पुलिस की गैर मौजूदगी में हुआ शांत। दमोह में स्याही फेंकने के मामले में डीओ पहुंचे थाने, जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला, कल बीजेपी कार्यकर्ता ने अधिकारी पर फेंकी थी स्याही। राजस्थान के कोटा निवासी ट्रक ड्राइवर की गुना में मौत, परिजनों ने ट्रांसपोर्ट मालिक को बताया जिम्मेदार, तबीयत बिगड़ने के बाद समय से अस्पताल नहीं ले जाने का आरोप। खरगोन में 100 फीट गहरे कुएं में गिरा 36 साल का शख्स, एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई जान, मैनगांव थाने के बीड गांव की घटना। खरगोन में बदमाशों ने बरपाया कहर, जन्मदिन मनाने गए युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, मोबाइल छीनने के दौरान बदमाशों ने मारी गोली, पैर में गोली लगने से युवक जख्मी। गरियाबंद में बाघ के शिकार के आरोप में 5 शिकारी गिरफ्तार, शिकारियों के पास से टुकड़ों में बाघ के खाल और मोर के बच्चे जब्त, तेंदुए समेत अन्य वन्य जीवों के अंग भी बरामद। राजनांदगांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, जिला अस्पताल में 20 दिन से खराब एक्सरे मशीन, प्राइवेट सेंटर्स में एक्सरे कराने को मजबूर मरीज। कोरबा के बुजुर्ग का दिखा जलवा, 80 की उम्र में लगाई 3.5 मीटर की लंबी छलांग, दिल्ली में आयोजित नेशनल गेम्स में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। जशपुर सन्ना मार्ग पर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, 9 किलोमीटर अधूरी सड़क के निर्माण की मिली स्वीकृति, हर्रा पाट से सोनक्यारी तक सड़क निर्माण को लेकर सालों से मांग कर रहे थे ग्रामीण। खंडवा में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवकों के बीच जमकर मारपीट, लाठी डंडे और चाकूबाजी में 4 युवक घायल, मोघट थाना क्षेत्र के प्रमाण सिटी मालीपुरा फेल का मामला। छतरपुर वन रेंज के कैडी गांव में कुएं में गिरा भालू, भालू को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू में जुटा वन अमला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सड़क मार्ग से पहुंचे दतिया, विख्यात शक्तिपीठ पीतांबरा पीठ में मां बगलामुखी के किए दर्शन, वनखंडेश्वर महादेव के जलाभिषेक के बाद हुए रवाना। जशपुर विधायक विनय भगत के डांस का वीडियो फिर हुआ वायरल, विधायक ने ठेठ नागपुरी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान ग्रामीणों के साथ लगाए ठमके, अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहते हैं भगत। अंबिकापुर में नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई, खेत से 25 टन कोयला जब्त, परसोड़ी कला नदी किनारे से कोयला खनन की मिली थी जानकारी, लखनपुर के परसोड़ी कला खंड का मामला। शोपुर में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, सूचना देने के बाद भी अवैध शराब से भरी गाड़ी पकड़ने नहीं पहुंची पुलिस, आदिवासी विकास खंड क्षेत्र के खिरखिरी गांव का मामला। कोरिया के बैकुंठपुर में पहली बार इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन, 18 राज्यों के 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, प्रतियोगिता में देश के प्रसिद्ध शतरंज ऑर्बिटर वेंकटेश भी शामिल। रायगढ़ में सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम, पाली घाट में ट्रक हुआ हादसे का शिकार, हादसे में ट्रक ड्राइवर की बाल बाल बची जान, जाम के कारण यात्रियों को परेशानी। बलौदाबाजार में पिकअप ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार में सवार थे पति पत्नी और बच्चे, हादसे में बाल बाल बचा परिवार, राजधानी मार्ग में ग्राम कुसमी के पास हादसा। सूरजपुर के निलंबित सहायक लेखापाल जगदीश कुशवाहा बर्खास्त, फर्जी तरीके से फसल बीमा राशि निकालने का आरोप, 36 लाख रुपए जमा नहीं करने पर कार्रवाई, मामले में शाखा प्रबंधक समेत 4 कर्मचारी सस्पेंड। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की राह में रोड़ा, 15 साल बाद भी मामला प्रशासनिक उलझन में फंसा, जहां बसाने की है तैयारी वो जमीन नगर निगम की नहीं, सीजीएमएससी के लिए हो चुकी आवंटित।
पेंड्रा में गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 6 लाख से ज्यादा का गांजा सहित तस्कर गिरफ्तार, शहडोल की तरफ गांजा ले जाकर बेचने की फिराक में थे आरोपी। जगदलपुर में घर में नाग के घुसने के बाद मचा हड़कंप, सांप की दहशत के कारण परिवार ने पड़ोसी के घर में बिताई रात, सुबह में रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया सांप। बलौदाबाजार में 43 साल की महिला की लाश मिलने का मामला बना मिस्ट्री, 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, कसरोल की रहने वाली महिला, पति भी फरार। बलरामपुर में आंधी बारिश के बाद परेशानियों का सबब, कई जगहों पर बिजली के पोल और तार क्षतिग्रस्त, रामानुजगंज नगर में ब्लैकआउट, बत्ती गुल होने के बाद लोगों में गुस्सा। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को किया गिरफ्तार, सिहावा थाना क्षेत्र का मामला। कांकेर में भालुओं के आतंक से दहशत में लोग, रात में आबादी वाले इलाके में पहुंच रहे हैं भालू, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। रायगढ़ में मवेशी तस्करों पर शिकंजा, तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 78 मवेशी जब्त, करीब 2 लाख रुपए में बेचने वाले थे तस्कर। रीवा में वन कर्मचारियों की दबंगई, बस कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप, गाड़ी में जबरन बिठाकर ले जाने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। दुर्ग में रामायण महोत्सव को लेकर सियासत तेज, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा सीएम को श्रीराम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, कांग्रेस कर रही है वोट की राजनीति। पोस्ट ऑफिस पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, डाकघर में खुलवाया महिला सम्मान बचत पत्र खाता, खाता खुलवाने के बाद प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में 2 दिन हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 से 48 घंटे के लिए जारी है चेतावनी। मुंगेली में नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत, महिला और भाई बहन की डूबने से मौत, लोरमी के रबेली गांव की घटना। गरियाबंद में 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए गांजे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रूपये।